हेलो गाइस, मैं आशीष, वेलकम आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे पहले हमने एक्स शेप पैटर्न पढ़ा था सीवर का, जो कि ओल्ड टाइप था। आज हम एक्स शेप पैटर्न पढ़ेंगे, जो कि हमारा न्यू टाइप होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्स शेप पैटर्न, ठीक है गाइस, वो भी न्यू टाइप। तो गाइस, एक्स शेप पैटर्न न्यू टाइप कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। इसमें नीचे होता है 60 डिग्री का एंगल, देन इसमें 0.25 का आर होता है, देन इसमें होता है 2R और फिर R, और जो यहाँ से यहाँ तक का आर होता है वो होता है 2.67R। इससे पहले जो हमने ओल्ड टाइप पढ़ा था उसमें बीच में एंगल 120 था, यहाँ पे 0.5R था, जो यहाँ पे इस टाइम न्यू टाइप में हो चुका है 0.25R। और साथ ही साथ ये वाली जो रेडियस थी वो ओल्ड टाइप में थी 3R और यहाँ पे ये रेडियस है 2.6R। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन लेनी होगी, देन इसके बाद एक और दूसरी लाइन लेनी होगी हमें ऐसे। इसके बाद गाइज, हमें यहाँ पे बीच में 60 का एंगल चाहिए। 60 के एंगल के लिए हमने यहाँ पे डी रखा अपना, और यहाँ पे हमने 90 से इधर 30 ले लिया है, और 90 से इधर हमने ले लिया है 30, ठीक है गाइज। इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरा का पूरा 60 का एंगल मिल गया हमें। इसके बाद गाइस, जैसे हमें पता चल रहा है यहाँ पे रेडियस है 0.25R और R हमने लिया है 4 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ मैं। R 0.25 मल्टीप्लाई बाई R, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो मुझे प्रोटेक्टर से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना होगा। ये है मेरा 1 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ पे हम रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर देंगे। गाइस, इस तरीके से हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। इसके बाद हमें पता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारे पास 2R। अब जैसे गाइस हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस है 2R, तो हम 2R ड्रॉ करेंगे। 2R होगा हमारा 4 × 8, तो 8 होगा, हम यहाँ से लेंगे 8 को, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक, ठीक है गाइस, और अपनी एक लाइन, हल्की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे R ड्रॉ करेंगे, R है हमारा 4, तो यहाँ पे से हम 4 लेंगे इसको, इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे अपना 4 ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमारा 4 ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे से 2.67 करना है, 2.67 होगा हमारा 2.67 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आएगा हमारा 10.68, इसको हम बनाएंगे 10.7। तो हम यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेंगे 10.7 की, यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पे अपना पेंसिल का लेड रखेंगे और फिर प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, ठीक है गाइस। अब हम इसको यहाँ पे से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है गाइस, ऐसे, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी रखेंगे इसको, और फिर प्रोटेक्टर रखते हुए हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे गाइस, ऐसे। तो आप देख रहे होंगे बन चुका है, ठीक है गाइस। और जो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गई है इसको हम अपने हाथ से मैनेज कर देंगे, ठीक है गाइस, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। 10 सेंटीमीटर की ब्रिक वॉल देनी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डैश मारा है, ये भी एक शेप की तरह आएगी हमारी। इसके लिए हमें यहाँ पे कंपास रखना होगा, यहाँ पे रखते हुए अब हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है गाइस। और जो हमारे डॉट थे जहाँ से हमने ये वाले आर्क लिए थे एक्स शेप के अंदर वाले, उनको हम पेंसिल से मार्क करेंगे और वहाँ से फिर हम ऐसे लेंगे इस तरफ के लिए और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ऐसे गाइस हम यहाँ से भी लेंगे इस तरफ के लिए और इसको हम ऐसे
ड्रॉ करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ नीचे हमारा आएगा इनवर्ट ब्लॉक। मैंने आपको बताया था पानी के कॉन्टैक्ट वाला सरफेस इनवर्ट ब्लॉक होता है। इसको पहले ज़माने में बनाते थे, अभी नहीं यूज़ नहीं करते। अब जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो स्टोन वेयर पाइप यूज़ करते हैं या कंक्रीट पाइप यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के पाइप यूज़ करते हैं। ये पुराने ज़माने का पैटर्न है, बट हमें हमारे सिलेबस में तो हमें बनाना है। इसके बाद गाइज हमें सलरी के लिए 2 mm रखना है यहाँ पे। ठीक है गाइज, और फिर हमें कंपास यहाँ पे रखना है और कंपास रखने के बाद इस टाइप से हमें कंपास रख के इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद गाइज अब हमें यहाँ पे से फिर से 10 सेंटीमीटर का एक आउटर मोल्ड लेना है। फिर से हमें इसको बनाने के बाद ऐसे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है गाइस, और यहाँ से ये जो सलरी क्ले है 2 mm इसको नीचे तक बढ़ाना है ऐसे ऐसे, और इधर से भी इसको ऐसे बढ़ाना है गाइस हमें। इसके बाद गाइस हमें यहाँ पे इनवर्ट ब्लॉक बनाना है। इनवर्ट ब्लॉक के लिए जो यहाँ तक ये लाइन आई है सैलरी की, ये 60 डिग्री पे हमें सबको बताया, ऐसे इसको 60 डिग्री शो करना है। इसके बाद इस पर 1 सेंटीमीटर डाउन, इस पर भी 1 सेंटीमीटर डाउन ऐसे हमें शो करना है। और इस पर हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाना है इनवर्ट ब्लॉक। ये हमारा बीच का हमें पता है कि 60 डिग्री है, ये हमें पता है कि हमारा 0.25 R है। ठीक है गाइस, ये हमारे 0.25 R है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमने खींची थी इनको हम मिटा देंगे जो हमने अपनी हेल्प के लिए खींची थी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम दिखा देंगे ये हमारा है इनवर्ट ब्लॉक। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ से नीचे हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे अपनी मर्जी से, इसको आप कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रिसीवर्स होती हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, इसलिए इनकी कोई फिक्स माप नहीं होती। इसके बाद हम ये पूरा क्लोज कर देंगे और ये भी इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे इनर मोल्ड बना देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेंटर के अबाउट घुमाएंगे हम अपनी स्केल ऐसे। सेंटर के अबाउट में इसको घुमा रहा हूँ। इस तरीके से गाइस ऐसे हम इधर से भी करेंगे।
तो इस तरीके से गाइस ये बन जाएगा। अब हमें ये वाला मोल्ड भी बनाना है, इसमें दोनों ब्रिक्स के बीच निकलेगी ब्रिक्स। इस तरीके से गाइस, और यहाँ भी बीच में हम सेलरी की हैचिंग कर देंगे ऐसे। और बाकी गाइस यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग आ जाएगी हमारी। तो गाइस इस तरीके से हमारी कंक्रीटिंग हो गई है। ठीक है गाइस, अब इसकी हम डिटेलिंग कर देंगे। गाइस तो इसके हम डिटेलिंग कर देंगे। ये हमारे पास आउटर रिंग, जो कि है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, और रेशियो हमारे पास 1:4। ठीक है गाइस, फिर ये जो पट्टी है, जो मैं सैलरी कह रहा था आपको, ये 12 mm थिक है, 12 mm थिक जॉइंट
ठीक है गाइस, रेशियो 1:4 इसका दिखा देंगे हम। फिर गाइस को हम लिख देंगे इनर रिंग, ठीक है गाइस, सीमेंट मोटार 1:4, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लिख देंगे सीमेंट कंक्रीट 1:4:8। और यहाँ पे हम थोड़ी डिटेलिंग कर देंगे यहाँ से, कि यहाँ से हमारे पास कितना आया था, यहाँ से हमारे पास कितना आया है, ठीक है गाइस, और ये हमारे पास कितना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये हमारे पास है आर, ये वाली जो डिटेलिंग है ये है 2.67 आर, ये भी है 2.67 आर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ हमारा। और यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्ट ब्लॉक है ये हमारा दूसरा वाला, इस पर लिख देंगे हम, ये हमारा इन्वर्ट ब्लॉक, इन्वर्ट ब्लॉक, इसका रेशियो लिख देते हैं हम 1:2:4 का, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लिख देते हैं हमारा एक्स शेप सीवर, एक्स शेप सीवर, ठीक है गाइस। वो भी कौन सा टाइप है, न्यू टाइप, ओके।